मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रेहटी के वार्ड नंबर 9 स्थित वासुदेव कॉलोनी रहवासियों ने 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक ओर जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण में कहते हैं, सुन लो रे गुंडो बदमाश भूमाफिया, मध्य प्रदेश छोड़ दो नहीं तो 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश। वहीं बुधनी से 30 किलोमीटर की दूरी पर रेहटी, जहां अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, कॉलोनाइजरों के द्वारा इन पर अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसानों की जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली जाती है और उन्हीं पर कॉलोनियां काटकर ऊंचे दामों पर प्लॉट बेचे जाते हैं। प्लॉट के खरीदार से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं। अपना परिचय दें पहले आप। मैं संग्राम सिंह चंद्रवंशी, वासुदेव कॉलोनी वार्ड नंबर 9 रहती जिला सीहोर से हूँ। आज SDM साहब आए थे, आपने ज्ञापन दिया, 2 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? ये हमने 2010 में जो है कॉलोनाइजर से हमने भूखंड लिया, प्लाट लिया, उसमें मकान बनाया। उन्होंने जो हमसे उसमें जो सुविधा देने का जो वादा किया था, वो कॉलोनाइजर उस वादे से मुकर गया और हम बेहद परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है और 10 साल हो गए हमें। इसलिए हमने जो है कॉलोनाइजर जो है गिरीश यादव जो है, उनकी पत्नी श्रीमती गीता यादव और हमारे भगवान दास साहू की जो है श्रीमती अनीता साहू, इनके नाम से ये कॉलोनी जगह जो है रजिस्टर्ड है और उनके बेटे विपुल ने जो है भूखंड विक्रय किए। रेहटी नगर सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर अवैध कॉलोनियों का धंधा फलफूल रहा है। ऐसे ही अवैध कॉलोनी का एक मामला रेहटी के वार्ड नंबर 9 स्थित वासुदेव कॉलोनी का है। रहवासियों के द्वारा बताया गया कि इस कॉलोनी में कॉलोनाइजर्स भगवान दास साहू, पत्नी अनीता साहू, गिरीश यादव, पत्नी गीता यादव के नाम से जमीन रजिस्टर्ड है। वर्ष 2010 में प्लॉट बेचने शुरू किए थे। इस दौरान कई लोग उनके पास प्लॉट लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से लोभ लुभावने वादे किए कि वे यहां पर बिजली, पानी, नाली, सड़क, पार्क सहित अन्य सुविधाएं देंगे, लेकिन कॉलोनी काटे हुए 12 साल से अधिक हो गया, अब तक यहां के रहवासी इन मूलभूत सुविधाओं का कोई लाभ नहीं ले पाए। कॉलोनी में रहने वाले रहवासी संघर्ष कर रही हैं। अब कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों के द्वारा कॉलोनाइजर के द्वारा जो उन्हें वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए प्रशासन की शरण में जाना पड़ा और जब वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। 30 से अधिक लोग कर रहे हैं निवास। नाम बता। वासुदेव कॉलोनी में रहती हूँ, आज से 10 साल से रह रही हूँ इस कॉलोनी में, और इस कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना नाली है। और जब हमने मकान खरीद प्लाट खरीदा था उस समय तो बोला गया था कि हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, मगर वो अभी तक कोई सुविधाएं दी नहीं गई हैं हमें। इसके लिए हमने अधिकारियों को पहले भी बहुत बार बता चुके हैं मगर किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की है और आगे भी कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो हमने इस साल अब धरना प्रदर्शन किया है। ठीक, धन्यवाद। वासुदेव कॉलोनी में प्लाट भी अभी यहां पर खाली पड़े हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव में यहां के लोगों ने अब तक इन पर मकान नहीं बनाए। कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां के रहवासियों ने कई बार बिल्डर से बोला लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन तो मिला लेकिन आज तक पूरा काम नहीं हुआ। इसकी शिकायत भी की गई लेकिन उन पर भी अमल नहीं हुआ, तो अब रहवासियों ने मोर्चा खोलकर अनशन शुरू कर दिया। रहवासियों की मांग है बिल्डर पर कार्यवाही। कुमार शुक्ला है, मैंने यहाँ पर प्लाट 2013 में लिया था, तब मुझे कॉलोनाइजर्स श्रीमान गिरीश यादव, पत्नी श्री गीता यादव और भगवान दास साहू, पत्नी श्री अनीता साहू के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि पूरी सुविधाओं से युक्त आपको कॉलोनी में निवास करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि नाली, सड़क, बिजली। तो इन सभी सुविधाओं को जानकर हमने यहाँ पर प्लाट लिया और अपना मकान बनाने का योजना बनाई। आज छोटी सी नौकरी करके मैं अपनी पूरी पूंजी लगाकर मकान बनाकर लगभग 2019 में निवास करने लगा था,
लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधाएं यहाँ पर हमें मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं प्राप्त नहीं हुई। और लाइट का बिजली के बारे में आपको बताऊं कि अगर आप रेहटी के अंदर किसी से जानकारी लें तो वहाँ पर 300, 400, 500 अधिकतम 1000 रुपये बिल आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2000 तक बिल दे रहे हैं। मतलब मेरा तो सबसे छोटा प्लाट इस कॉलोनी में 600 स्क्वायर फीट का है, उसमें मैं 1350 बिल प्रति महीने देता हूँ। रोड वगैरह को लेके? रोड वगैरह किसी प्रकार की कोई सुविधा उनके द्वारा नहीं दी गई। अगर रोड एक बना भी है तो सिर्फ नगर पालिका के माध्यम से, वो भी आवेदन निवेदन करके बनाया गया है। इसके अलावा रोड किसी प्रकार का नहीं बनाया गया कानून। मतलब क्या कोई सुविधा नहीं दी गई है? कोई सुविधा हमें कॉलोनाइजर्स के द्वारा नहीं दी गई। वासुदेव कॉलोनी के बलवंत सिंह राजपूत, सुमेर रघुवंशी, संग्राम सिंह चंद्रवंशी, कमलेश रघुवंशी रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि वे बिल्डर पर कार्यवाही करें और हमें कॉलोनी में सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और बिल्डर पर कार्यवाही करें। बुधनी से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। सर, आज ये कॉलोनी वालों ने ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझे आज ही मेरे दोस्त 3-4 दिन से मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है वासुदेव कॉलोनी के वासियों द्वारा। एक कॉलोनाइजर द्वारा इनको प्लाट बेचा गया है और उनके उसके द्वारा इनको मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है, इसके संबंध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज मैं आया हूँ इनके सामने और इनकी समस्या को सुना है और मैंने कॉलोनी पूरी घूम के देखा है। मुझे घूमने के बाद सही में लगा कि इनके साथ जो एक विकसित कॉलोनी में सुविधा होना चाहिए वैसी सुविधा इस कॉलोनी में नहीं है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, कॉलोनाइजर एक्ट के तहत दो प्रकार से कार्रवाई हम कर सकते हैं। एक तो पूरी कॉलोनी को प्रबंधन में लिया जाकर नगर पालिका से एस्टीमेट बनाएंगे और एस्टीमेट बनाने के बाद जितने प्लाट अभी बिक्रे से बचे हैं उन पर रोक लगाएंगे और कॉलोनाइजर को कहेंगे कि वो अपने बजट से इसका निर्माण कराएं और कॉलोनी का विकसित विकास करें, और अगर वो नहीं करता है तो नगर पालिका से विकास कराएंगे और वो प्लाटों को राशि करेंगे। सर, यहाँ पर और भी कॉलोनियाँ अवैध रूप से कट रही है, इस पर भी क्यों प्रकरण अभी तक दर्ज? देखिए, मेरे संज्ञान में यदि कोई कॉलोनी आती है और उसका नोटिस का जवाब दिया जाता है और वो जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।